अलीगढ़ में देर रात महानगर के सेंटर पॉइंट चौराहे पर बाइकर्स गैंग से किसी बात को लेकर कहासुनी के विवाद में गैंग के सदस्यों ने रामघाट रोड पर पूर्व एएमयू छात्र पर फायर कर दिया। रंगबाजी के दौरान यह फायरिंग की गई है। इसमें पूर्व एएमयू छात्र सहित दो लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं, वहीं एक के पैर में भी गोली लगी है। दोनों गंभीर हालत में जेएनयू मेडिकल कॉलेज में भर्ती करवाया गया। पुलिस घटनास्थल पर मौजूद चश्मदीद की निशानदेही पर हमलावरों की तलाश में जुट गई है। इसके लिए तीन टीमें भी गठित कर दी गई है। वारदात के बाद में एसएसपी सीएसपी सहित पुलिस के तमाम आला अधिकारी भी जेएनयू मेडिकल कॉलेज पहुंचे, जहां पर बयान के बाद में अज्ञात हमलावर बाइकर्स गैंग की तलाश में पुलिस की टीमें गठित करते हुए सीसीटीवी फुटेज खंगालने का काम शुरू कर दिया गया है। अभी रात्रि में एक सूचना पुलिस को प्राप्त हुई थी कि दो लड़के उम्र लगभग 27 वर्ष जेएनएमसी मेडिकल कॉलेज में घायल अवस्था में आए हैं। उन्हें गनशॉट इंजरीज हैं, एक के पांव में और एक के अपर बॉडी में। उपरोक्त के संबंध में तत्काल टीमें रवाना की गईं और पूछताछ में यह पता चला कि एक आरोपी समूह जो है उसके कुछ लड़के एक कार से आए थे और उनके द्वारा इन दो लड़कों को घायल किया गया है और इन पर फायर किया गया था। और इसमें से एक लड़का तो पूरी तरह खतरे के बाहर बताया गया है, वहीं दूसरे का इलाज अभी वहाँ पर चल रहा है। इसमें यह भी बता दें कि जो हमलावर लड़के थे इसमें से कुछ के नाम जो है उनको तस्दीक किया जा रहा है और एक नाम प्रकाश में आया है, जिसके लिए टीमें तत्काल रवाना कर दी गई हैं। अभियोग पंजीकृत कर वैधानिक कार्रवाई प्रचलित करने के आदेश दिए गए हैं। वहीं सीसीटीवी कैमरा आदि देखे जा रहे हैं। शीघ्र इन जो हमलावर युवक हैं इनको गिरफ्तार किया जाएगा और कठोर दंडात्मक कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी।